क्रिकेट को ओलंपिक 2028 में शामिल कराने में विराट कोहली का बड़ा योगदान रहा है। आप सबको पता ही होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बैटर विराट कोहली की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है। आधे से ज्यादा थाईलैंड इस टाइम इंडिया की वजह से चल रहा है, उतना टूरिज्म थाईलैंड का चल रहा है। इंडिया इस वक्त उस लेवल पे जा चुका हुआ है कि वो जिस फील्ड में, वो कहते हैं ना, मट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना हो जाती है। मोदी की किस्मत उसकी कौम के साथ इस तरह जुड़ चुकी हुई है। मोदी अपनी कौम के लिए मट्टी भी उठा के कहेगा ना अपनी कौम को, ये मैं सोना करने लगा हूं, तो उसकी कौम कहेगी हाँ ये सोना। यकीन बहुत है। इंडिया 2036 में ओलंपिक गेम्स करा सके, वो कहते हैं जनाब कि ये 140 करोड़ लोगों का ख्वाब है। दुनिया में इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा है, चाहे आप ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, तो इंडिया एक बहुत अच्छी एक उभरती जो है ना मार्केट है, तो पूरी दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट्स कर रही है, खासकर ऑटो जो है उनकी, फिर कार्स, हर फील्ड ग्रो कर रही है, हर फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। आई थिंक माय फ्रेंड हियर विराट, ही इज द थर्ड मोस्ट फॉलो एथलीट इन द वर्ल्ड ऑन सोशल मीडिया विद 340 मिलियन फॉलोअर्स। दैट्स मोर देन लेब्रॉन जेम्स, टॉम ब्रेडी एंड टाइगर वुड्स। मेड इन इंडिया को प्रमोट किया, और हमारे वाले ने हम चोर हैं, फलाने चोरी कर दी, उनकी जो गुडविल थी मेड इन इंडिया पे चली गई और हमारी चोर पे चली गई। हमने अपना बेड़ा गर्क खुद ही किया ना, हमने अपना बेड़ा गर्क खुद किया। क्या अगर ये होस्ट कर लेता है सक्सेसफुली, अगर उसकी इकोनॉमी कोई बड़ा असर नहीं पड़ता, इतना तगड़ा स्ट्रक्चर, इतने लोगों को वो होस्ट कर लेते हैं, तो इट्स अ बिग पॉइंट एंड पॉजिटिव पॉइंट। दोस्तों 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट को सम्मिलित किया, और इस साल होगा क्रिकेट का मैच ओलंपिक में, तो दोस्तों इसका श्रेय जाता है विराट कोहली को। 340 मिलियन फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर विराट कोहली की, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग देखकर ओलंपिक में क्रिकेट को सम्मिलित किया, तो दोस्तों ये हम सब भारतीयों के लिए एक खुशी की बात है। एक गोल्ड मेडल भारत और जीत पाएगा क्रिकेट में। आप लोगों को पता है भारत आज दुनिया की नंबर वन टीम है, चाहे आप टेस्ट में देख लो, 20 में देख लो, या वनडे में देख लो। मैं कहता हूँ जो मुल्क 2023 में पूरे वर्ल्ड कप को होस्ट कर सकता है ना, उसके लिए फर्स्ट टाइम हुआ। और 2036 तो बहुत आगे चला गया, आपने शायद बहुत आगे बता दिया, जो अगले 5 सालों के अंदर वो पूरे एशियन गेम्स को होस्ट कर सकता है। इंडिया की ये बर्थ हो चुकी हुई है इंटरनेशनल लेवल। मैं थाईलैंड बैंकॉक गया हूँ, थाईलैंड ऑन अराइवल वीजे है, और आधा थाईलैंड इंडियंस ने बात कर दिया वहाँ, आधा थाईलैंड मतलब 90% रेस्टोरेंट्स इंडियंस के हैं। आधे से ज्यादा थाईलैंड इस टाइम इंडिया की वजह से चल रहा है, उतना टूरिज्म थाईलैंड का चल रहा है। इंडिया इस वक्त उस लेवल पे जा चुका हुआ है कि वो जिस फील्ड में, वो कहते हैं ना मट्टी को हाथ लगाए तो वो सोना हो जाती है। मोदी की किस्मत उसकी कौम के साथ इस तरह जुड़ चुकी हुई है। मोदी अपनी कौम के लिए मट्टी भी उठा के कहेगा ना अपनी कौम को, ये मैं सोना करने लगा हूं, तो उसकी कौम कहेगी हाँ ये सोना। यकीन बहुत है। और आपने 2036 बहुत आगे बता दिया, आई थिंक सो 2030 बहुत आगे है, 2028 मे भी इसमें ही वो अगली आने वाली गेम्स को होस्ट कर सके। वर्ल्ड कप मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, सब ने ट्रस्ट किया है, तो वो लोग आए हैं। ठीक है, और उनकी खुददारी देखें कि उन लोगों ने पाकिस्तान आना ही मुनासिब नहीं समझा, और इनकी खुददारी का लेवल चेक करें कि इन्होंने मैच ना खेलना मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने कहा हम खेलेंगे जरूर, बिस्ती भी कराएंगे, अब श्रीलंका आ जाए। ठीक है, ये हमारा इज्जत नफ्स का हाल है, ये हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ये है, और उनकी इज्जत नफ्स ये है कि उन्होंने क्रिकेट ना खेलना मुनासिब समझा। उन्होंने कहा हमने अपने दूसरे मुल्क नहीं जाना, और हमने देखे हम उनकी बिरयानियों की भी तारीफें कर रहे हैं। हाँ, बिरयानी और सेल्फी और पता नहीं पागल ही हो गए हैं लगता है। अगर इंडिया ये ओलंपिक्स करवा रहा है तो उनको उतना बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, उतनी स्ट्रांग किस्म की इकोनॉमी इकोनॉमी चाहिए। आप ये पॉइंट देखें, इतना बड़ा जिगरा रखने के लिए ये बहुत बड़ी एफर्ट है। अब कतर ने फुटबॉल वर्ल्ड कप करवाया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लगे हैं, लेकिन बदले में क्या मिला है? कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं मिली उनको रिटर्न नहीं मिला, लेकिन दुनिया में एक अच्छा इमेज उजागर हुआ। के विजिटर आए हैं बाहर से, लोगों ने देखा, उनका लॉन्ग टर्म में उनको फायदे होंगे। 50 साल वहाँ पे लोग विजिट करने आएंगे, उनका स्ट्रक्चर देखने आएंगे, वहाँ पे घूमने फिरने आएंगे। यही चीज़ है कि इंडिया अगर ये होस्ट कर लेता है सक्सेसफुली, अगर उसकी इकॉनमी कोई बड़ा असर नहीं पड़ता, इतना तगड़ा स्ट्रक्चर, इतने लोगों को वो होस्ट कर लेते हैं, तो इट्स अ बिग पॉइंट एंड पॉजिटिव पॉइंट। उन्होंने कहा कि ये जो है हमारे तमाम इंडियंस का ख्वाब था कि वैसे तो हमने बड़े रिकॉर्ड बना लिए, एक दफ़ा हमारे मुल्क में ओलंपिक्स भी हो जाए, तो उनकी जो इकॉनमी की जो प्लानिंग है, जो उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो उनका जो है कि दुनिया की टॉप 3 इकॉनमी में से एक इंडिया भी खड़ा होगा, उस पर बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि वाकई दिख रहा है उनका एक जो विजन है, जो इनकी डिटर्मिनेशन है, बड़ी क्लियर, बड़ी राइट है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखेंगे ये जो ओलंपिक्स का इवेंट होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा गेम्स होती हैं, सबसे ज़्यादा लोग देखने के लिए आते हैं, इतने ज़्यादा लोगों को होस्ट करना, फिर इतने ज़्यादा गेम्स करवाना, वो भी सक्सेसफुली, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। दूसरा, जो आपने इकॉनमी की बात की, तो इस वक्त
एशिया के अंदर और दुनिया में इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनने जा रहा है, चाहे आप ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, तो इंडिया एक बहुत अच्छी एक उभरती जो है ना मार्केट है, तो पूरी दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट्स कर रही है, खासकर ऑटो जो है उनकी, फिर कार्स, हर फील्ड ग्रो कर रही है, हर फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। तो एक मैं ये देख रहा हूँ आने वाले 10 सालों में इंडिया एक तीसरी बड़ी है, चौथी, देखिए अब अमेरिका की अगर आप बात करें तो इस वक्त अमेरिका डिफॉल्ट के करीब है, $33 ट्रिलियन आज से 6 महीने पहले उनका डेबिट था, $33 ट्रिलियन इज टू मच अमाउंट। तो आने वाले दिनों में अमेरिका अगर आप देखें, चाइना देखें, चाइना को जी बिल्कुल ऐसा ही है, चाइना तो अपने डेट में डूब जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही है। तो इंडिया एक ये समझे कि इमर्जिंग कंट्री बनकर सामने आएगा और एकदम से सामने आएगा। अब वो वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं, आपने कल देखा होगा अहमदाबाद के अंदर 1 लाख से ज्यादा बंदा, इतना प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ था, मैच जो भी हुआ उसका रिजल्ट जो भी आया, लेकिन स्ट्रक्चर देख के मजा आ रहा था, उसके ग्राफिक्स देख के जब कैमरा ड्रोन ऊपर जाता था। तो यही चीज है कि वो एक अच्छी इकोनॉमी अगर वो एक ये इवेंट करवा जाते हैं तो उनका पूरी दुनिया के अंदर बेहतरीन इमेज बन जाएगा। यूएई इंडिया के बगैर नहीं चल सकता, अमेरिका इंडिया के बगैर नहीं चल सकता, कनाडा इंडिया के बगैर नहीं चल सकता, ओमान को इंडिया बिजली एक्सपोर्ट कर रहा है, देखें आने वाले टाइम सऊदी को भी करेगा, सऊदी को भी एक्सपोर्ट करेगा। हाँ जी, दुनिया का गुजारा इंडिया के बगैर क्यों नहीं है? उस कौम के अंदर एक यूनिटी पैदा होती जा रही है, काफिर काफिर ही है, मुसलमान मुसलमान ही है, लेकिन ये चीज अब खत्म होनी चाहिए। हम 21वीं सदी में बात करें, 21st सेंचुरी, मैं वही बात करने लगा हूँ, मैं इस बात का कायल हूँ, बीइंग अ मुस्लिम मैं इस बात का कायल हूँ कि अगर दुश्मन भी कोई अच्छी एक्टिविटी करता है फॉर द ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के लिए कोई अच्छी एक्टिविटी करता है तो वी विल प्रेज हिम, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए, दुश्मन से भी सीखना चाहिए, बेवकूफ दोस्त से अकलमंद दुश्मन ज्यादा बेहतर होता है। बहुत अच्छी बात की। एक पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल करेंगे, अगर हम अपने मुल्क के अंदर किसी को इनवाइट करते हैं, कोई इवेंट यहाँ पर प्लान करते हैं, लोग सीधा हमारे मुंह पे कहते हैं कि भाई तुम लोगों के मुल्क में नहीं आना, कहीं पे भी तुम लोग फटते फुटते हो, ये जो एक डर लोगों के बीच पैदा हो गया, इसका क्या करें? ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी रीजन, हमारे अंदर आपस में इत्तेफाक नहीं है, जब तक हमारी इस कौम, देखिए जो 25 करोड़ जो आवाम होगी ना, ये आवाम नहीं, ये कौम नहीं है, ये हजूम है, ये हजूम है, ये क्राउड है, ये लाशें हैं, जिनके फैसले इस वक्त या लंदन में हो रहे हैं या दुबई में हो रहे हैं, ठीक है। जब तक इन लाशों के फैसले पाकिस्तान के अंदर कैबिनेट में बैठ के नहीं होंगे, कोई भी फॉरेनर पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, और यही ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। दोस्तों, हम सब भारतीयों के लिए एक खुशखबरी है, 128 साल बाद ओलंपिक में खेला जाएगा क्रिकेट का मैच, और इसका श्रेय जाता है विराट कोहली को। 340 मिलियन फॉलोवर है सोशल मीडिया पर विराट कोहली के, आज सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग देखकर ही आज ओलंपिक में क्रिकेट को सम्मिलित किया, और हम भारतीयों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि आज भारत की टीम तीनों फॉर्मेट में, चाहे आप 20 में देख लो, वनडे में देख लो या टेस्ट में देख लो, वर्ल्ड की नंबर वन टीम है। तो हम सब भारतीयों के लिए खुशी की बात यह है कि एक और गोल्ड मेडल जीतने का अवसर बढ़ गया भारत के पास में, क्योंकि आज आप लोगों को पता है भारत ने एशिया कप जीता, और आज वर्ल्ड कप के अंदर भारत बढ़िया बैटिंग और बॉलिंग कर रही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, आज भारत तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है 2036 में भारत में होगा ओलंपिक, और थोड़े दिनों पहले G20 की मीटिंग हुई तो पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी, और आप लोगों को पता है आज भारत दुनिया को लीड कर रहा है, चाहे आप IT में देख लो, एजुकेशन में देख लो, मेडिकल में देख लो, आज पूरी दुनिया पर दबदबा है भारत का। और दोस्तों, आप लोगों को पता है भारत और पाकिस्तान एक साथ अलग हुए थे, लेकिन आज पाकिस्तान में लोग आटे के लिए लड़ रहे हैं और आपस में मर रहे हैं, यहाँ तक पाकिस्तान के लोगों को दूसरे देश वीजा भी नहीं देते, क्योंकि ये लोग उस देश का माहौल खराब करते हैं, लड़ाई दंगा यही पाकिस्तान के लोगों का पहला काम है। लेकिन आज भारत के लोगों को सभी देशों में वीजा मिलता है, और भारत के लोग अपना नाम बना रहे हैं और भारत का मान सम्मान बना रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, आज भारत के लिए एक बड़ी खुशी की बात है, गोल्ड मेडल लेके आएगा भारत ओलंपिक में क्रिकेट में। तो दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोगों की क्या राय है आप लोग मुझे कमेंट कर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो।